हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आर एन केमिस्ट्री डिपार्टमेंट। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे वोल्फ री अरेंजमेंट रिएक्शन के बारे में, जो एक नियम रिएक्शन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसको हम देखते हैं कि ये क्या है और इसके मैकेनिज्म को हम देखेंगे इसमें, ठीक है। देखते हैं, तो यहाँ पर अल्फा डा ये जो कीटोन ऑन। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आर एन केमिस्ट्री डिपार्टमेंट। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे वोल्फ री अरेंजमेंट रिएक्शन के बारे में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है, नियम रिएक्शन है। तो हम इसका देखेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म और इसके कुछ एग्जांपल को देखेंगे, कैसे सीसा नेट में इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अल्फा डाई एजो कीटोन ऑन ट्रीटमेंट विथ सॉलिड सिल्वर ऑक्साइड टू फॉर्म कार्बिन। तो हम कह सकते हैं कि जब क्या होगा, अल्फा डाई एजो कीटोन को हम ट्रीट करते हैं सिल्वर ऑक्साइड से, ठीक है। सिल्वर ऑक्साइड से तो क्या होगा, कार्बिन जनरेट होगा और दिस कार्बिन अंडरगो द रीअरेंजमेंट प्रोसेस टू फॉर्म कीटिन। और यह जो कार्बिन होता है वो क्या करेगा, रीअरेंजमेंट रिएक्शन करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ये कीटिन का फॉर्मेशन करेगा। और इसी दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड वोल्फ रीअरेंजमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं, वोल्फ रीअरेंजमेंट रिएक्शन बोलते हैं। तो अब बात करते हैं, क्या सिल्वर ऑक्साइड, यानी कह सकते हैं सॉलिड सिल्वर ऑक्साइड लेंगे तो जो कार्बिन बनेगा, तो उसी कंडीशन को ही हम वोल्फ रिएक्शन या वोल्फ अरेंजमेंट रिएक्शन बोलेंगे। ऐसा नहीं है, कार्बिन जनरेट करना है और रिएंजमेंट प्रोसेस होना चाहिए, बस इसका यही एक कंडीशन है, ठीक है। तो इसमें हम बात करते हैं, जनरली हम ऐसे देखते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं, जैसे मान लीजिए सी एच थ्री है, सी ओ है, सी एच है और इसके बाद एन टू है, ठीक है। तो अल्फा डाई जो कीटोन हो गया ये, अब यहाँ पर सिल्वर ऑक्साइड से जब ट्रीट कराते हैं तो हम क्या करेंगे, ऐसे तो थोड़ा समझ में नहीं आएगा, तो पहले हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर को ओपन करके लिखते हैं। जैसे मान लीजिए आपका है सी एच थ्री है, तो सी डबल बॉन्ड ओ है और यहाँ लिखेंगे सी एच, ठीक है। तो यहाँ नाइट्रोजन है, तो यहाँ मान लीजिए पहले हम सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं और यहाँ पर है आपका एन। तो इसके अगर देखेंगे तो यहाँ डबल बॉन्ड होता है और यहाँ डबल बॉन्ड होता है, यहाँ पर आपका निगेटिव चार्ज आता है और यहाँ पर क्या होगा, आपका पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। तो इसका ओपन स्ट्रक्चर ये हो गया। तो सिल्वर ऑक्साइड से जब आप ट्रीट कराते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या होता है उसको समझते हैं। तो ये बॉन्ड क्या होता है, यहाँ जाता है, तो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा और ये बॉन्ड क्या होगा, यहाँ आएगा, ठीक। तो यहाँ भी बात करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा आपका सी एच थ्री हो जाएगा, सी डबल बॉन्ड वो हो गया और यहाँ सी एच पर क्या हो जाएगा, आपका निगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। अब सी एच पर निगेटिव चार्ज आ गया और यहाँ पर देख रहे हैं एन हो गया और यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड एन हो गया और यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब यहाँ पर देख रहे हैं कि एन टू है और यह बेस्ट लिविंग ग्रुप है और इस कार्बन पे क्या है, आपका एक बेस्ट लिविंग ग्रुप है और एक निगेटिव चार्ज है। तो आप जानते हैं कि अगर किसी भी कार्बन पे अगर निगेटिव चार्ज है और उसके साथ बेस्ट लिविंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब है वो पुश कर देगा और कार्बिन का फॉर्मेशन कर लेगा। तो ये क्या करेगा, इसको पुश करेगा और यह नाइट्रोजन क्या होगा, यहाँ से लिबरेट हो जाएगा नाइट्रोजन गैस, ठीक है। तो यहाँ से एन टू गैस लिबरेट होगा और उसके बाद बात करते हैं, यहाँ पर सी एच थ्री हो जाएगा और सी डबल बॉन्ड वो हो जाएगा और यहाँ पे बात करें तो सी एच हो जाएगा और यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे कार्बिन हो गया। तो इसी को कहते हैं हम कार्बिन। अब यह रीअरेंजमेंट रिएक्शन करता है, तो ये इसी को अब रीअरेंजमेंट रिएक्शन करेगा, तो इसी को वोल्फ रीअरेंजमेंट रिएक्शन बोलेंगे। तो अब ये जो होगा ये यहाँ आएगा, ठीक है, और यहाँ से डबल बॉन्ड ब्रेक होता है, फिर वापस आता है और फिर क्या करेगा, ये ग्रुप क्या होगा, माइग्रेट कर जाएगा इस कार्बन पे। तो हम यहाँ पे बात करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका सी एच थ्री, कहाँ गया आपका सी एच पे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे सी एच, अब सी एच क्या किया, सी डबल बॉन्ड बनाया हुआ है, ठीक है। तो सी एच सी डबल बॉन्ड सी बना लिया है और ये सी डबल बॉन्ड वो बना लिया है, तो सी डबल बॉन्ड वो है, ठीक है। तो ये हम कहेंगे कि ये कीटीन हो गया और इसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं कि वोल्फ रीअरेंजमेंट रिएक्शन कहते हैं। अब इसी को अगर हम थोड़ा सा और बढ़ा दें, ठीक है, तो थोड़ा सा और हम इसको अगर इंक्रीज कर देते हैं, इंक्रीज कहने का मतलब है कि इसे अगर हम वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करा देते हैं, जैसे मान लीजिए आपका है एच थ्री ओ प्लस, ठीक है, तो वाटर मॉलिक्यूल के साथ अगर हम रिएक्ट कराते हैं तो क्या होता है, तो इस कंडीशन में अगर हम बात करें तो यहाँ पर इसका हाइड्रोलिसिस हो जाता है और ये अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है, सॉरी एसिड का यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाता है। तो होगा कैसे, जैसे मान लीजिए सी एच है और यहाँ डबल बॉन्ड है, सी है डबल बॉन्ड है और ओ एच है, ठीक है। तो यहाँ पर जो एच टू ओ मॉलिक्यूल होगा यानी एच टू ओ, तो इसका जो लोन पेयर होगा वो क्या करेगा, यहाँ पर अटैक कर देगा और ये ब्रेक होगा। अब यहाँ पर ब्रेक होगा तो हम कहेंगे सी एच थ्री हो गया, सी एच हो गया और यहाँ हो जाएगा सी और वो निगेटिव आ जाएगा, डबल बॉन्ड से क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा और यहाँ पर वो हो गया, यहाँ पर एच हो जाएगा, यहाँ पर एच हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेगा, प्रोटॉन को अपस्टेक करेगा, यहाँ पर आता है पॉजिटिव चार्ज, अभी क्या हो जाएगा, यहाँ जाएगा। तो अगर हम बात करें ये सी एच थ्री होगा, सी एच होगा और यहाँ पर बात करें तो सी ओ एच हो गया और यहाँ ओ एच हो गया, ठीक है, और ये हो गया। और यहाँ पर देख रहे हैं आपका डबल बॉन्ड था यहाँ पर, तो यहाँ डबल बॉन्ड जनरेट करेंगे। अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ से हम कह सकते हैं इसका जो लोन पेयर है, या तो आप इसको मानिए, तो जो कोई एक आएगा यहाँ पर और यहाँ से क्या होगा, कीटो इनॉल कह सकते हैं, टाटोमेरिज्म हो जाएगा, ठीक है।
तो यह हो जाएगा आपका सी एच थ्री, और यह कह सकते हैं इसे टाटोमेरिजम बोलेंगे, सी एच थ्री हो जाएगा। और सी एच यहाँ पर नेगेटिव आएगा, इस वो इसको क्या करेगा एबसेट करेगा, तो यह जाएगा सी एच टू, और यह हो जाएगा सी डबल बॉन्ड वो हो जाएगा, और उसके बाद ए ओ एच हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, एल्कोहल का फार्मेशन हो जाएगा। तो इसी को हम बोलते हैं अन ए आर टी एच आर स्टर्ट रिएक्शन। तो इसी को हम बोलते हैं अर्थ स्टर्ट रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कीटीन का, अगर हम हाइड्रोलिसिस करा देते हैं जिससे हमें एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो इसी को हम बोलते हैं अर्थ स्टर्ट रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है। तो बात करते हैं क्वेश्चन की, यह क्वेश्चन 2013, ठीक है, 13 जून में पूछा गया था सीसा नेट में। तो यहाँ पर एच न्यू कंडीशन दिया हुआ है और एक्वस टीएचएफ दिया हुआ है, यानी टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन दिया हुआ है, यहाँ पे सॉल्वेंट दिया है, उसके बाद सेकंड कंडीशन में हीट दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर डाई जो कीटोन दिया हुआ है, ठीक है। तो डाई जो कीटोन जो है यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन में क्या करेगा, यहाँ पर कार्बिन का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, नाइट्रोजन लिबरेट करेगा, ठीक है। तो सेम जैसे हमने रिएक्शन देखा, या तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर इसको ओपन करके लिखेंगे आप, तो यहाँ हो जाएगा आपका एन, ठीक है, डबल बॉन्ड हो जाएगा, और यहाँ डबल बॉन्ड है, और यहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा, यहाँ निगेटिव चार्ज होगा, यहाँ पर सी डबल बॉन्ड वो, सी डबल बॉन्ड वो हो जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर, ये यह आएगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा ब्रेक, ठीक। तो यहाँ पर लिख सकते हैं सी डबल बॉन्ड वो, सी डबल बॉन्ड वो है, और यहाँ पर एन हो जाएगा, डबल ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा, और यहाँ पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, निगेटिव आ जाएगा, ठीक है। अब ये क्या करेगा, यहाँ पर बेस्ट लिविंग ग्रुप बन जाएगा, अब यहाँ पुश कर देगा, जिससे क्या होगा, कार्बिन बनेगा, सिंपल सी बात है यहाँ पे। तो यहाँ पे बन गया आपका कार्बिन, ठीक है। अब कार्बिन बन गया, सेकेंड कंडीशन में कह रहा है कि यहाँ पर डेल्टा दिया हुआ है, ठीक है। तो डेल्टा दिया है, इसका मतलब क्या करेगा, यह रीअरेंजमेंट रिएक्शन कर सकता है यहाँ पर, ठीक है। तो रीअरेंजमेंट रिएक्शन करने के लिए क्या करेगा, ये यहाँ आएगा, अब ये ग्रुप क्या हो जाएगा, ये यहाँ से माइग्रेट करेगा। अब देखिए यहाँ पर ये सिक्स मेंबर था पहले, अब क्या हो जाएगा, ये जब यहाँ से जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, फाइव मेंबर रिंग का फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, फाइव मेंबर रिंग ड्रा कर लेते हैं, ये हो गया। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि आपका जब यहाँ से जुड़ा है, तो अगर हम नंबरिंग करें तो ये हो जाएगा 1 2 3, हो जाएगा 4, और यहाँ पर आ जाएगा 5, ठीक है। तो यहाँ पर अगर नंबरिंग करें 1 2 3 4, और ये हो जाएगा 5। तो फोर पे देख रहे हैं सी डबल बॉन्ड वो है, तो सी डबल बॉन्ड वो यहाँ पे कीटोन बनाते हैं, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, कीटीन हो जाएगा। फाइव पे क्या हो जाएगा आपका, कीटीन हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका डबल बॉन्ड, और यहाँ पर सी, और उसके बाद डबल बॉन्ड वो हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका, यानी फाइव मेंबर रिंग का यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया। और यहाँ पे देखो, सॉरी, यहाँ पे दिया हुआ था आपका मिथाइल, डाई मिथाइल दिया हुआ था, यहाँ मिथाइल लिखेंगे, यहाँ मिथाइल हो जाएगा, यहाँ पर भी हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं सेकेंड पे क्या आ जाएगा आपका, मिथाइल, ये हो गया। अब बात कर सकते हैं यहाँ पर जो है, अब इसका हम हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं, या कर सकते हैं वर्कअप जब आप कराते हैं, इसमें कंडीशन तो नहीं दिया होता है, तो हम कहेंगे यहाँ पर अगर हम वर्कअप कराते हैं, जैसे मान लीजिए थ्री ओ प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा, एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका मिथाइल, मिथाइल है, और यहाँ पर सी डबल बॉन्ड हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका सी डबल ओ ओ एच हो जाएगा, यानी एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, और यही हमारा क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। तो इस टाइप से हम कह सकते हैं दोस्तों, सी एस आई आर नेट में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो हम बात करते हैं यहाँ पर एक और एग्जांपल की, यहाँ पर देख रहे हैं सी थ्री सी डबल बॉन्ड ओ एच दिया है, और यहाँ पर देख रहे हैं एसओ सी एल टू एन थाइनिल क्लोराइड दिया है, ये जानते हैं क्लोरीनेटिंग एजेंट है। तो यहाँ इसके मैकेनिज्म को हम समझते हैं, और फिर लास्ट में देखेंगे कि इसका क्या ट्रिक होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं एसओ सी एल टू है, तो होगा क्या, एसओ सी एल टू को अगर हम लिखें, तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए एस है, डबल बॉन्ड वो हो जाएगा, उसके बाद सी एल है, और फिर क्या हो जाएगा, सी एल है। तो यहाँ से जो लोन पेयर है, ये डायरेक्टली अटैक नहीं करता है, ये क्या हुआ, यहाँ जाएगा रिजोनेंस में, फिर ये क्या होगा, यहाँ का बॉन्ड होगा वो अटैक करेगा, ये ओपन हो जाएगा। तो ये फर्स्ट कंडीशन था, तो यहाँ पर सी एच थ्री हो जाएगा, सी डबल बॉन्ड वो है, यहाँ पर देखिए सी डबल बॉन्ड वो होगा, और उसके बाद इसके साथ ये अच्छा, यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। और उसके बाद बात करें, तो ये ऑक्सीजन क्या हुआ, डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड हो रहा है, तो सिंगल बॉन्ड होगा, तो ये यस के साथ क्या बनना है, बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, तो यहाँ पर यस हो जाएगा। और उसके बाद देख रहे हैं ये ऊपर जाएगा, तो फिर वह क्या होगा, वापस आएगा, फिर ये सी एल को एलिमिनेट कर देगा, तो हम कहेंगे यस डबल बॉन्ड वो हो जाएगा, उसके बाद क्या जाएगा आपका, सी एल हो जाएगा। तो ये कंडीशन हो गया। हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो है, जो सी एल निकला था वो क्या करेगा,
तो यहाँ पर हम और काम कर सकते हैं। यहाँ पर सीएल क्या करेगा, पहले इस प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट कर लेगा तो ये सीएल बन जाएगा, तो फिर से क्या करेगा ये एससीएल प्रोटॉन दे देगा, फिर ये प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट कर लेगा। तो एक प्रोसीजर है ये, इसको हम थोड़ा सा स्किप कर रहे हैं। तो अब क्या करेंगे, हम डायरेक्ट अटैक करा रहे हैं यहाँ पर सी, यहाँ पर अटैक करेगा ये ओपन हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं सी एच थ्री हो जाएगा सी, और ये हो जाएगा ओ एच, और यहाँ हो जाएगा सी एल, और उसके बाद वो हो जाएगा, और यहाँ पर यस डबल बॉन्ड वो हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा सी एल। अब इसका जो लोन पेयर होगा वो यहाँ आएगा। अब क्यों आ रहा है, यहाँ पर सी डबल बॉन्ड ओ का फॉर्मेशन करेगा, स्टेबल बॉन्ड है, और यहाँ पर क्या है एक बेस्ट लिविंग ग्रुप है यानी SO2 के रूप में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा SO2 निकलेगा और यहाँ से Cl निकलेगा। अब ये जो Cl होगा इसके प्रोटॉन को अब्सट्रैक्ट कर लेगा, तो डायरेक्ट हम कह सकते हैं यहाँ से ये Cl निकल जाएगा और ये SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड गैस क्या होगा यहाँ से निकलेगा। अब जो हमें मिला तो क्या मिला, आपका CH3 मिला और सी डबल बॉन्ड ओ मिला और उसके बाद Cl हो गया। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर इसका क्लोरीनेशन, ठीक है। तो यहाँ कह सकते हैं ये हैलोजिनेटिंग क्या है रेजेंट है। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि SO2 SOCl2 दिया हो, इसके जगह पर हम SO2 Cl2 भी ले सकते हैं, PCl3 दे सकते हैं, PCl5 हम क्लास कह सकते हैं 12th से ही पढ़ते आ रहे हैं, PCl5 ले सकते हैं, POCl3 ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हैलोजिनेटिंग क्या है एजेंट है जिसका यूज हम कर सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं PPS3 है और प्लस जो है CX4 है या पर रेजेंट है, इसका भी हम यूज कर हैलोजिनेटिंग में कर सकते हैं, ठीक है। तो हैलोजिनेशन प्रोसेस हो सकता है। तो ये हो जाएगा आपका एसिटिल क्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाएगा, फर्स्ट कंडीशन क्या हो गया समाप्त हो गया। अब बात करते हैं यहाँ पर CH2 है, उसके बाद N2 है, यहाँ पर देख रहे हैं या न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, यहाँ से अटैक करेगा और ये Cl को बाहर कर देगा। तो यहाँ पर हो जाएगा CH3, यहाँ हो जाएगा सी डबल बॉन्ड वो होगा, ठीक है, और यहाँ पर हो गया आपका CH2, और N को हम लिखें तो N ट्रिपल बॉन्ड N ले सकते हैं, यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब जो वहाँ से Cl निकला था, ठीक है, तो इसको चाहिए प्रोटॉन, तो ये क्या करेगा यहाँ से H है तो इसके प्रोटॉन को अब्सट्रैक्ट करेगा, ये यहाँ जाएगा और इस बॉन्ड को ये ब्रेक कर देगा, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ हो जाएगा आपका CH3, यहाँ हो जाएगा सी डबल बॉन्ड वो, और यहाँ सी एच हो जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ गया डबल बॉन्ड हो जाएगा, और यहाँ एन हो जाएगा, और यहाँ डबल बॉन्ड, उसके बाद क्या हो जाएगा एन हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज। समझ आ रहा है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि यह डाई ये जो क्या हो गया आपका कीटोन हो गया। अब उसके बाद अगर बात करें तो यहाँ डाई जो कीटोन हो गया, अब यहाँ पर कंडीशन दिया है एच न्यू कंडीशन दिया है, अब इसका मतलब ये कार्बिन का फॉर्मेशन करेगा, कैसे करेगा, यहाँ पर तो था आपका निगेटिव चार्ज, तो ये यहाँ आएगा, ये यहाँ गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा निगेटिव चार्ज आया। तो हम कह सकते हैं CH3 सी डबल बॉन्ड वो, और आ जाएगा CH, यहाँ आएगा निगेटिव चार्ज, यहाँ होगा N ट्रिपल बॉन्ड N, और यहाँ आएगा पॉजिटिव चार्ज। आप जानते हैं कि CH पे क्या होगा निगेटिव चार्ज आएगा, अब ये क्या करेगा इसको पुश करेगा और ये निकल जाएगा, जिससे क्या होगा कार्बिन का फॉर्मेशन होगा। अब हो जाएगा CH3 सी डबल बॉन्ड वो होगा, और यहाँ हो गया आपका CH, और आ जाएगा कार्बिन। अब ये कार्बिन क्या करेगा, रीअरेंजमेंट करेगा, तो यहाँ से आएगा यहाँ पे और ये हो जाएगा रीअरेंजमेंट, जिससे क्या होगा कीटीन बन जाएगा। अब इसी को कहते हैं वोल्फ रीअरेंजमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि CH3 CH से जुड़ा, देख रहे हैं CH से बॉन्ड का फॉर्मेशन किया, और यह CH क्या हुआ यहाँ से डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा और सी होगा, देख रहे हैं सी है डबल बॉन्ड वो, तो सी डबल बॉन्ड यानी कीटीन बन गया। क्या बन गया आपका कीटीन का फॉर्मेशन हो गया। अब यहाँ पर जो है कीटीन हो गया, अब यहाँ पर जो है फोर्थ कंडीशन में दिया है H3O+ यानी हाइड्रोलिसिस दिया है और एसिड बनेगा, जैसे हमने मैकेनिज्म देखा उसे आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं CH3 हो जाएगा, और यहाँ पर H आ जाता है तो CH2 हो जाता है, और ये जो है आपका एसिड हो जाएगा COOH। तो कह सकते हैं कि यहाँ पर होमोलोगस सीरीज क्या होगा, यहाँ कह सकते हैं एसिड का ही बनेगा, यहाँ पर देख रहे हैं एसिड है ये भी एसिड बनेगा, तो इसे हम कह सकते हैं अर्थ आस्टर्ट रिएक्शन, ठीक है। तो ये हमारा क्या था मैग्नीजियम था और ये इसका प्रोडक्ट था। अब बात करते हैं कुछ ट्रिक के लिए। तो अब मैग्नीजियम आप जब सीख लिए हैं तो अप्लाई करिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा CH3COCl बन जाएगा, तो डायरेक्ट आपको पता है कि CH3COCl बन जाएगा, और उसके बाद ये पता है कि आपका CH2 अटैक कर देगा तो यहाँ से Cl निकल जाएगा। तो हम कह सकते हैं CH3CO हो गया और CH2 हो जाएगा, उसके बाद N2 हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर आप जानते हैं कि CH हो जाएगा और N2 हो जाएगा। अब यहाँ जानते हैं कि यहाँ पर डाई डाई ये जो क्या है अल्फा डाई जो कीटोन बन गया, इसका मतलब यहाँ पर H3 अगर दे दिया जाए तो क्या हो जाएगा ये वोल्फ रिएजमेंट होगा, जिससे कीटीन बन जाएगा। तो यहाँ पर CH3 हो गया और हो जाएगा आपका CO, और यहाँ पर बात करें तो हो जाएगा आपका नहीं सॉरी यहाँ पर हो जाएगा आपका CH3 और हो जाएगा CH डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड वो कीटोन बन गया। अब इसका क्या कर सकते हैं CH3O+ यानी हाइड्रोलिसिस कर दें तो क्या हो जाएगा एसिड हो जाएगा, डायरेक्ट सी बात है। तो यहाँ पर CH3 हो जाएगा और CH हो जाएगा और ये हो जाता है CH2 और हो जाएगा COOH। तो इससे का क्या हो जाएगा ये प्रोटोकॉल। तो अगर आपको यहाँ पे पता है
कि इसका मैकेनिज्म क्या होगा, तो आप डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से दोस्तों बोल्फ कर सकते हैं कि रिएजमेंट रिएक्शन को हम देखते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए नेम रिएक्शन के साथ। जय हिंद।